नमस्कार दोस्तों, एनजी म्यूजिक में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलेश गोहिल। मैं आज आपके लिए तबले के प्रारंभिक ज्ञान के बारे में बताऊंगा और तबले के रखरखाव के बारे में समझाऊंगा। तबले के किस तरह से तबले का पोस्चर होना चाहिए, किस तरह से हमें बैठना चाहिए, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये वीडियो बिगिनर्स और जो पहले से सीख रहे होते हैं उनके लिए भी बहुत उपयोगी है। आप इसको इस वीडियो को आप अंत तक देखें तभी उपयोगी होगा। इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें जो अन्य वीडियो में कमी पाई गई उन चीज़ों पर फोकस किया है मैंने। और मैं इस तबले के विषय में जितना जानता हूँ वो सब आपको देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और आप भी किस तरह से किस कितनी मेहनत ये तबला सीखने में और हमें इसका नॉलेज होने में लगती है मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तो आप कृपया घबराएं नहीं और अपना जो भी ध्यान है या लगाव है तबले के प्रति वो बनाकर चलते रहें और एक ना एक दिन सने सने धीरे धीरे आपको इसकी जानकारी होगी और तबला बजाना आपको आएगा, ऐसा मेरे गुरु कहते थे। और वाकई तबला या संगीत की कोई भी साधना है तो बहुत धीरे से ही हमें प्राप्त हो पाती है, अन्यथा इसमें घबरा के छोड़ देना या घबरा जाना ये उचित नहीं है। जो भी सीख रहे हैं आप बहुत लगन से अच्छे भाव से सीखिए, आपको ज़रूर से ज़रूर आपको इसका नॉलेज हो जाएगा। आप बजाना सीख जाएंगे, हारमोनियम बजाना सीख रहे हैं तो हारमोनियम भी सीख जाएंगे, तबला जो भी वाद्य यंत्र आप बजाना चाह रहे हैं वह धीरे धीरे आपको आने लगेगा। इस वीडियो में बहुत सारी जो अन्य वीडियो में कमियां थीं उनको पूरा करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। मेरे कई मित्र, मेरे कई स्टूडेंट्स मेरे से कई बार बोल चुके हैं कि सर वीडियो बनाइए और डालिए, तो मैंने कोशिश की है और मेरी कोशिश को आप सब कामयाब बनाएं और आगे तक ले जाएं। मैं इस पार्ट में आपको तबले के प्रारंभिक ज्ञान के बारे में बताऊंगा और अगले अन्य पार्टों में आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आपके सामने पेश होता रहूंगा। और तो चलते हैं हम तबले के प्रारंभिक ज्ञान के बारे में। ठीक है, ये तबला है और ये मेरा बैठने का पोस्चर है। सबसे पहले तबले में बैठक कैसी होना चाहिए, हम तबला बजाने वाला एक तबला वादक किस पोस्चर में बैठा है ये हमको देखना चाहिए। कई लोग ऐसे पीठ निकाल कर बैठते हैं तो कई हाथों को ऐसे करके बैठते हैं तो कई हाथों को बहुत सारा गैप करके तबला बजाते हैं, तो इससे ये बैड पोस्चर है और इससे हमारी पीठ में, हाथ में, सिर में दर्द हो सकता है। तो कृपया कर सबसे पहले अपने पोस्चर को इस वीडियो के माध्यम से सुधारें। बिल्कुल सीधे हमें रीढ़ की हड्डी को सीधे रखना है और ये जो मेरे देखने का तरीका है जैसे मैं बैठा हूँ वैसे आपको बैठना है। और तबले पर हाथ किस तरह से रखना है, तबले को कितना झुकाना है, तबले को कहाँ कहाँ रखना है, कैसा, कई लोग तबले को दूर दूर रखते हैं तो वो बैड पोस्चर है और कई लोग तबले को झुकाते हैं ये भी उचित नहीं है। और तबले का ये तरीका, ये देखिए, ये तरीका तबले रखने का बहुत अच्छा माना जाता है और मैं भी इसी पोस्चर में तबले को प्ले करता हूँ। और आप देख रहे होंगे मेरे पास जो डिग्गा है
वो तांबे का है और ये इसमें बहुत भारी है, ये वजन है। और मेरा ये जो तबला है, चांटी है, वो शीशम की लकड़ी का बना हुआ है और ये भी बहुत भारी है। तबले में वैसे पूरा तबला ही मुख्य है, हर एक अंग इसका आवश्यक है। एक चीज़ के बिना तबला, एक चीज़ की कमी भी हो जाती है, तबला नहीं बच सकता। तो इसलिए अपन देखते हैं इसकी खूबियों को और किस तरह से इसको बजाया जाता है, वह सब हम इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहे हैं। तो अब जानेंगे तबले के अंग के बारे में, ये डिग्गा और ये तबला या चांटी बोलते हैं इसको, दायां या बायां भी बोला जाता है। तो इसके ऊपर जो आप देख रहे हैं चमड़ा, दोनों के ऊपर चमड़ा मढ़ा हुआ है और इसको पुड़ी बोलते हैं। और इसके बीचों बीच जो काली काली एरिया दिख रहा है आपको, वो एक स्याही है जो कि चावल और लोहे को घिसकर चूरा बनाकर उसको लगाया जाता है। ये तो सब जो तबला सुधारने वाले होते हैं वही कर सकते हैं, बाकी मैं आपको एक मोटी मोटी जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि ये जानकारियाँ ही हमें परीक्षा में भी उपयोगी होती हैं। जब तबले या गायन की परीक्षा हम दे रहे होते हैं तब ये जानकारियाँ भी उपयोगी होती हैं, और मैं इस तरह की चीज़ें आपको बताऊंगा जो परीक्षा उपयोगी होंगी। तो ये लोहे और चावल की बनी चूरा होता है जिसको हम इस पर लगाते हैं, और ये जो आप देख रहे हैं बीच में बहुत सारा छूटा हुआ है, ये मैदान कहलाता है, इसका डिग्गे का मैदान कहलाता है। और इसके चारों तरफ जो घेरा नुमा कुछ आपको गुथा हुआ दिखाई दे रहा है रिंग टाइप का, तो इसको गजरा कहते हैं। ये दोनों के ही एक समान होते हैं, ये इसमें भी गजरा है। और चाटी के हिस्से को अपन जाने तो इसमें भी वही स्याही लगी हुई है इसके बीचों बीच, और इसमें हल्की सी धारियां बनी होती हैं जो वाइब्रेशन के लिए उपयोगी मानी जाती हैं, उपयोगी होती हैं। और जब तबला नया बनकर आता है तो ये जो स्याही है वह हल्की हल्की चटक जाती है, जिससे वाइब्रेट और अच्छा होता है और मीठे तबले बजने लगते हैं। और इसके चारों तरफ जो सफ़ेद भाग दिख रहा है वह चाटी का मैदान है, और इसकी ये जो घेरा दिख रहा है इसको चाटी बोलते हैं। इसी पर स्ट्रोक मारने से आवाज़ आती है, और इस पर पूरे तबले पर, ये जो तबला है पूरे तबले पर हमारा हाथ का उपयोग किया जाता है। कई बोलों में हाथों का उपयोग कई तरह से इस पर किया जाता है, अलग अलग तबला वादक अलग अलग तरह की चीज़ें निकालकर इसके बखूबी से बहुत अच्छे से इसमें बोल निकालते हैं। और बोलों की निकासी यहीं से हम सबसे पहले सीखते हैं। तो अब आगे चलते हैं, तो डिग्गे के जिससे ये गजरा बंधा हुआ है, ये जो गुथी हुई चीज़ आपको दिख रही है ये बंधी हुई है, इसको बद्दी कहते हैं, ये भी चमड़े की या रस्सी की होती है, और इसको बद्दी या बादी कहते हैं, इसको भी बद्दी या बादी कहते हैं। और ये छोटे छोटे गट्टे जो दिख रहे हैं आपको वह लकड़ी के बने होते हैं, जो तबले को स्वर से मिलाने के लिए ऊंचा नीचा तबला किस तरह से मिलाना है, तो उसके लिए इन गट्टों को ठोककर इसको ऊंचा नीचा या स्वर से मिलाया जाता है। तो इस तरह से इसके बाद डिग्गे में भी कुछ लकड़ी के गट्टे फंसाए जाते हैं, तब जबकि इसका ये बादी लूज हो जाती है। और इसको ठोकने के लिए
एक हथौड़ी भी साथ आती है या अलग से खरीदी जाती है, जो स्पेशल इसी की हथौड़ी होती है, और इसी से हम ठोक कर हल्की टंकार मार कर ही इसको ऊपर चढ़ाते हैं, उतारते हैं और तबले को मिलाते हैं। तो ये भी बहुत उपयोगी अंग तबले का माना जाता है। जब भी आप तबला लेने जाएं तो हथौड़ी को लेना ना भूलें। और इसके बाद आती है बारी गुडरी की। इसको गुडरी, चौंवल या घेरा बोलते हैं, जिस पर हम तबले को रखते हैं। तबला इसी पर रखा जाता है। ये कई प्रकार की, कई तरह की बाज़ार में मिलती हैं, जो आप खरीद सकते हैं। वैसे तबले के साथ में ये आती है और इस पर ही तबला रखा जाता है। दोनों की अलग अलग घेरा या चौंवल होती है। तो ये तबले का हमने एक सूक्ष्म और अच्छा परिचय हमने तबले के बारे में जाना। अब हम अगले पार्ट में, अगले वीडियो में आपको कई ताल, जैसे तीन ताल से मैं शुरू करूंगा, तो तीन ताल आपको आगे मैं तीन ताल के बोलों के बारे में बताऊंगा, बोलों की निकासी के बारे में बताऊंगा कि बोलों की निकासी कैसे करना है हमें। तो आप इन सभी वीडियो को, मेरे सभी पार्टों को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें बहुत उपयोगी चीज़ें छुपी हुई हैं। और जितना भी मेरे गुरु ने मुझे दिया, वो तो अब इस दुनिया में नहीं है, पर मैं उनको दिल से और हृदय से नमन करता हूँ। श्री काशीराम जी सोनी मेरे गुरु थे और वह कुछ समय पहले नहीं रहे, और अब उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। जितना भी है तो मैं आपको देना चाहूँगा। आप इस वीडियो को और आने वाले मेरे अन्य वीडियो को भी उपयोगी समझकर, परीक्षा उपयोगी समझकर अंत तक देखें। धन्यवाद।